मिटियापुर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी नंदिनी और अपनी 15 वर्षीय बेटी अर्चना के साथ रहा करता था। मोहन एक व्यापारी था जो मिट्टी को साफ करके उसे बेचने का काम किया करता था। मोहन अपने ही गांव के मुखिया अभिमन्यु के साथ मिलकर इस व्यापार को किया करता था और मोहन के कारोबार का हिसाब नंदिनी देखा करती थी। सुनिए जी, इस बार मुखिया जी ने पूरे 6 महीने की पेमेंट नहीं दी है। आप उन्हें पेमेंट के लिए कहते क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है नंदिनी कि मैं मुखिया जी को बोलता नहीं हूँ? ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब मैं मुखिया जी से पैसों के बारे में बात नहीं करता। लेकिन आप ही बताइए, ऐसा कब तक चलेगा? मुखिया जी के ऊपर हमारी अच्छी खासी रकम बकाया हो चुकी है और अब तो घर का राशन भी समाप्त होने की कगार पर है। अर्चना बिटिया के स्कूल की फीस भी 4 महीने से जमा नहीं हुई है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन गहरी चिंता में डूबते हुए बोला, आज मैं मुखिया जी से इस बारे में जरूर बात करूंगा। इतना कहकर मोहन मुखिया की फैक्ट्री में चला गया। मोहन को देखकर मुखिया बोला, क्या बात है मोहन, आज तुम ट्रैक्टर में मिट्टी भरकर नहीं लाए? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुखिया जी। हाँ हाँ बोलो। मुखिया जी, एक बार हिसाब किताब देख लेते तो ज्यादा सही रहता। आपने पिछले 6 महीने से मिट्टी की पेमेंट नहीं की है और अब मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यहाँ तक कि घर का राशन भी समाप्त हो गया है। बिटिया के स्कूल की फीस भी 4 महीनों से जमा नहीं हुई है। कम से कम मुझे आधी रकम ही दे देते। मोहन, मैंने कहा था ना तुम्हें कि बाजार थोड़ा मंद पड़ा हुआ है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तुम्हारी सारी रकम एक साथ मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मुखिया जी, अब मेरे पास तो ट्रैक्टर में डीजल भरवाने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर एक ही रास्ता है, तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी काम पर लगा दो। आखिर तुम्हारी बेटी भी 15 वर्ष की हो चुकी है, इस उम्र में वैसे भी ताकत बहुत होती है। ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं मुखिया जी, ये तो गलत बात है। आप मुझे मेरे पैसे देने की बजाय उल्टा मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी काम पर लगा दूं। धीरे बोलो मोहन, तुम मिट्टी बेचते हो, कोई ब्रांडेड मर्सिडीज नहीं बेचते। और वैसे भी मिट्टी खरीदने के लिए तुम्हें कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? तुम्हारे घर के बगल में मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हारी मिट्टी खरीदता हूँ। नहीं मुखिया जी, आप गलत बोल रहे हैं। सच तो ये है कि मेरी मिट्टी आप शहर में अच्छे दामों में बेच देते हैं और मुझे ना के बराबर पैसे देते हैं। और इस बार तो आपने हद ही कर दी, 6 महीने से आपने पैसे ही नहीं दिए। एक तो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हारी मिट्टी खरीदने तक को तैयार हो गया, तुम्हारी थोड़ी सी रकम क्या रुक गई? तुम तो मेरा अपमान करने लगे। मैं आपका कोई अपमान नहीं कर रहा मुखिया जी, मैंने तो सिर्फ आपके सामने अपनी मजबूरी बताई है कि मेरे घर का राशन पानी भी समाप्त हो गया है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? वही जो तुम इससे पहले किया करते थे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। सीधा मतलब है मोहन, पहले तुम कोई कामकाज नहीं करते थे बल्कि बेकार घूमा करते थे। अब तुम भी गांव के बाकी और लोगों की तरह दूसरों के खेतों में काम करो और अपने परिवार का भरण पोषण करो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, दोबारा यहाँ मत आना। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए। मुझे आप थोड़े से ही पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर का 1 महीने का राशन पानी खरीद सकूं। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मोहन, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें अब एक पैसा नहीं देने वाला। मोहन मुखिया के सामने गिड़गिड़ाता रहा। मुखिया ने मोहन को बुरा भला बोलकर और अपमानित करके अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। ये आपने ठीक नहीं किया मुखिया जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहन के घर के बगल में जो मिट्टी का छोटा सा पहाड़ है वो कितना कीमती है। आपने अपनी हवेली और अपनी कार मोहन की मिट्टी बेच बेच कर ही खरीदी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बल्ली, मुझे आपके साथ रहते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मेरी समझ में जितना आए आप मुझे उतना समझा दीजिए। तो फिर सुनो बल्ली, सामने वाले को कभी भी नहीं बताना चाहिए कि उसका दिया हुआ माल कितने रुपए में बिक रहा है। अगर मैं मोहन को टाइम पर पैसे देने लगा तो एक ना एक दिन उसके दिल में लालच आ जाएगा और यही लालच उसे एक दिन शहर की तरफ खींच कर ले जाएगा।
इसका पिता तो मुझे मिट्टी बेचने को तैयार ही नहीं था, तो फिर मैंने उसे एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया। सबको यही लगा कि मोहन का पिता हादसे में मारा गया। आपकी खोपड़ी का कोई जवाब नहीं मुखिया जी, लेकिन आप जबरदस्ती उसके घर के बगल में उस छोटे से पहाड़ से मिट्टी भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो मोहन की संपत्ति में आता है। चिंता मत करो बल्ली, थक हार कर मोहन आखिरकार मेरे ही पास आएगा। इधर मोहन आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर पर पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी सब कुछ समझ गई। अब हम क्या करेंगे, घर में आटा भी खत्म हो गया है। अर्चना दोपहर से भूखी बैठी हुई है और लगातार भोजन मांग रही है। अब मैं अपनी बिटिया को कहां से भोजन लाकर दूं? तुम चिंता मत करो नंदिनी, मैं बगल के राशन की दुकान से कुछ राशन उधार लेकर आऊंगा। उधार तो मैं भी ला सकती हूँ, लेकिन आप ही बताइए कि अब आप क्या करेंगे। और आपको तो मुखिया जी ने पैसे भी नहीं दिए, और आपको इसके अलावा कोई और काम आता भी तो नहीं है। आप राशन के पैसे कहाँ से चुका पाएंगे? नंदिनी की बात सुनकर मोहन गहरी सोच में बैठ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार बहुत तेजी से कौंधा और वो नंदिनी की ओर देखकर बोला, मैं वही काम करूंगा जो पिताजी किया करते थे। नंदिनी, पिताजी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करते थे, मैं भी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचूंगा, लेकिन दोबारा मुखिया के पास अब नहीं जाऊंगा। तो क्या आपको मिट्टी के खिलौने बनाने आते हैं? मुझे ज्यादा खिलौने बनाने तो नहीं आते, पर मुझे एक खिलौना बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है। मुझे याद है पिताजी जब जीवित थे तो वो मिट्टी की परी बनाया करते थे। मैं उस मिट्टी की परी के साथ दिन भर खेला करता था। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश होते थे। मैं उस मिट्टी की परी को बहुत अच्छी तरह से बना सकता हूँ। उस दिन के बाद से मोहन मिट्टी की परी के खिलौने बनाने लगा। उसकी पत्नी मिट्टी के छोटे से पहाड़ से ढेर सारी मिट्टी लेकर आती थी और मोहन उस मिट्टी को उसे परी के आकार में ढाल देता था। कुछ दिनों तक तो मोहन की बनाई हुई मिट्टी की परी गांव में खूब बिकी, मगर कुछ दिन बाद गांव के बच्चों ने मोहन की मिट्टी की परी को खरीदना बंद कर दिया। लेकिन मोहन ने मिट्टी की परी को बनाना जारी रखा। एक दिन मुखिया मोहन के पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, मोहन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बनाई हुई ये मिट्टी की परी तुम्हें अमीर बना देगी? बेवकूफ इंसान, आज के बच्चे मोबाइल पर जहाँ पबजी जैसे गेम खेल रहे हैं, वहाँ तुम्हारी ये मिट्टी की परी कौन खरीदेगा? इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया और मोहन ने क्रोधित होकर मिट्टी की परी जमीन पर फेंक दी। मिट्टी की परी के दो टुकड़े हो गए और मोहन अपनी पत्नी से बोला, मुखिया जी सही बोल रहे हैं नंदिनी, आज का दौर मोबाइल का दौर है और मुझे मिट्टी की परी के अलावा कोई दूसरा खिलौना बनाना भी नहीं आता। आखिर मेरी मिट्टी की बनाई हुई परियां कोई कब तक खरीदेगा? सच तो ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर अंदर जाकर मोहन चारपाई पर लेट गया। आधी रात हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी कि तभी मोहन को बाहर किसी के चलने फिरने की कदमों की आहट सुनाई दी। मोहन तुरंत अपने घर से बाहर निकल आया। उसने देखा कि उसकी मिट्टी की परी जिसे उसने तोड़ दिया था, अब वो जुड़ चुकी थी। मोहन ने तुरंत अपनी पत्नी को उठा दिया। क्या हुआ जी? नंदिनी देखो, इस मिट्टी की परी को मैंने क्रोध से तोड़ दिया था, मगर इसे किसी ने दोबारा बना दिया। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। नंदिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उस मिट्टी की परी के ऊपर आकाश से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और देखते ही देखते उस मिट्टी की परी में जान आ गई और उसका आकार किसी जवान इंसान के शरीर के जैसा हो गया। मोहन डरता हुआ बोला, कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ। लेकिन तुम तो मिट्टी की थी, तुम्हारे अंदर जान कैसे आ गई? तुम्हें पता है मोहन, मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तुम्हारे पिताजी पहले बहुत से खिलौने बनाया करते थे और उनके खिलौने परीलोक में बहुत प्रसिद्ध थे। मैंने ही उनसे मिट्टी की परियां बनाने के लिए कहा था। तुम बिल्कुल अपने पिताजी की तरह ही मिट्टी की परियां बनाते हो।
तुम्हारे घर के बगल में जो मिट्टी का छोटा सा पहाड़ है ना, वो कोई मामूली मिट्टी का पहाड़ नहीं है, बल्कि जादुई मिट्टी का पहाड़ है। तुम अपनी मिट्टी की परियां बनाना जारी रखो। लेकिन मेरी मिट्टी की परियां कोई नहीं खरीदता। तुम्हारी बनाई हुई जितनी भी मिट्टी की परियां हैं, इन सबको मैं ले जा रही हूँ और तुम्हें इन सब के बदले मुँह मांगी कीमत दूंगी। इतना कहकर उस परी ने अपनी छड़ी आगे की ओर कर दी और देखते ही देखते मोहन के सामने धन का भंडार लग गया। वो परी वहाँ से गायब हो गई और साथ ही साथ मोहन की बनाई हुई सारी मिट्टी की परियां भी गायब हो गई। देखा तुमने नंदिनी, हमारा वो छोटा सा मिट्टी का पहाड़ जादुई मिट्टी का पहाड़ निकला। ये सब ईश्वर की कृपा है जी। उस दिन के बाद मोहन रोज दिन भर मिट्टी की परियां बनाता और आधी रात को वो परी ढेर सारा धन देकर वो सारी मिट्टी की परियां परीलोक ले जाती। कुछ ही दिनों में मोहन के हालात बदलने लगे। अब उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। मोहन ने अर्चना का शहर के एक बहुत महंगे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था और यही बात मुखिया को बहुत ज्यादा परेशान किए जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता बल्ली कि मोहन दिन भर मिट्टी के खिलौने बनाता है, वो खिलौने आखिर जाते कहाँ हैं? मैंने गांव में किसी को भी उसके खिलौने को खरीदते हुए तो नहीं देखा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है मुखिया जी, क्यों ना हम आज रात मोहन के घर पर नजर रखें। तुम सही कहते हो, आज रात हम दोनों मोहन के घर की जासूसी करेंगे और अगर सब कुछ सामान्य नजर आया फिर क्या करोगे मुखिया जी? तो फिर आज रात मोहन को भी उसके पिता की तरह ही मार दूंगा और उसकी पत्नी का किस्सा भी समाप्त कर दूंगा। मेरे आगे पीछे घूमने वाला सड़क छाप मोहन मेरी बराबरी करेगा। मुखिया बुरी नीयत लेकर उस रात मोहन के घर की जासूसी करने लगा। मुखिया और बल्ली ने देखा कि रात में आकाश से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और उनमें से एक परी निकलकर जमीन पर आ गई और मोहन के मिट्टी के खिलौने गायब हो गए और मिट्टी के खिलौनों की जगह धन का ढेर लग गया। बल्ली धीरे से मुखिया से बोला, मुखिया जी ये तो हकीकत की परी लगती है, इसने ही मोहन को बहुत सारा धन दिया है। बल्ली मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं मोहन और उसकी पत्नी को नहीं बल्कि इस परी का ही किस्सा समाप्त कर दूंगा। अरे परी कोई इंसान नहीं होती, मेरी बात मानिए तो यहाँ से उल्टे कदम वापस चलिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। तो तुम चले जाओ, तुम एक नंबर के डरपोक हो, मगर मैं डरपोक नहीं हूँ। इतना कहकर मुखिया क्रोधित होकर उस परी के सामने खड़ा हो गया और उसने बंदूक से परी के ऊपर फायर कर दी, मगर बंदूक की गोली परी के शरीर के छूते ही जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर मुखिया बुरी तरह से डर गया। तुम्हारा साथी चतुर निकला और वो तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गया। मैंने तुमसे बड़ा मोर किस धरती लोक पर कभी नहीं देखा। मुझे क्षमा कर दीजिए परी जी। नहीं, तुम क्षमा करने योग्य नहीं हो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम भी अब जीवन भर मिट्टी के ही बनकर रहोगे। परी ने अपनी छड़ी मुखिया के आगे कर दी और मुखिया कुछ ही पलों में मिट्टी की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। मुखिया जी जैसे भी थे तो वो इंसान ही, आप उन्हें दोबारा इंसान बना दीजिए। नहीं मोहन, मुखिया ने ही तुम्हारे पिताजी की हत्या करवाई थी और आज ये तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान लेने के लिए यहाँ आया था। अगर मैं इसे दोबारा इंसान बना दूंगी तो ये फिर भी तुम्हारा शत्रु ही रहेगा, इसकी सजा यही है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई और मोहन आज भी मिट्टी की परी बनाता है। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था, उसके पिता भी मटके बनाया करते थे और वो भी, और अब उसके साथ उसका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो बाबा, मेरा मटका कितने अलग आकार का है। हाँ अच्छा है, पर बेटा इसकी गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए
इस मटके को टेढ़ा करना होगा। अब वो तो है, ऐसे मटके ज्यादा ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन अब तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। बाबा, तो क्या सिर्फ वही मटके बिकते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही बिकते हैं, इसलिए हम हमेशा वैसे ही मटके बनाते हैं। पर मुझे याद है, जब आखिरी बार मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बहुत महंगे दाम पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी हमें अच्छे ही दाम मिलेंगे, देख लेना बाबा। हाँ, तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है, तेरे बाबा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी है। नहीं माँ, मुझे शहर वहर नहीं जाना, और तो और मुझे मिट्टी से चीज बनाना बहुत पसंद है, मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे समझाना, तू मेरी बात मान या ना मान वो तेरी मर्जी। अच्छा ये सब छोड़ो रुक्मणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से, उसका क्या हुआ? भैया तो राजी है हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ, वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस रविवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपने शादी की बात सुनकर योगेश भी बहुत खुश था। रविवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था, घर में काफी मेहमान थे। और फिर सुरेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी रोज योगेश को शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाते रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यहीं खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं आ रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही महीनों में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी। आभा के घर आते ही, बेटा मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई काम करे, पर वो है कि वो यही रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूँगी माँ जी। फिर एक दिन योगेश अकेला मटके बना रहा था, आभा उसके पास आ गई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाओगे, क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे। नहीं आभा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने तुम्हें बोला होगा, पर मेरी बात अच्छे से समझ लो, मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने का बहुत शौक है, मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मार कर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा। योगेश की बातें सुनकर आभा स्तब्ध रह गई, उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हो गया? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यही रहना चाहिए। अब तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है, वो मन मार कर शहर नहीं जाना चाहते, और यही सही भी है। 2 महीने गरीबी में रहेगी ना, तब समझेगी कि मैं क्यों शहर भेजने के पीछे लगी थी। माँ जी, आप बस चाहती है कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने पति के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, पर बाबा बोलते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा नहीं बिकते। बिकते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे, शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेलों में क्यों नहीं बेचते? मैं कोशिश कर सकता हूँ,
आभा ने योगेश को प्रोत्साहित कर दिया था। योगेश ने अलग अलग आकार के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर बिकेंगे। उम्मीद तो यही है। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग आकार के मटकों को मेले में काफी डिमांड थी। भैया, मुझे वो लंबी गार्डन वाला मटका चाहिए। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही दिन में योगेश के सारे मटके बिक गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने बाबा के हाथ में रख दिए। ये देखो बाबा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में बेचने का आइडिया आपकी बहू का था। जुग जुग जियो बहू, और हमेशा अपने पति का साथ देना, वरना कुछ औरतें होती हैं जो पति को सिर्फ शहर भेजना चाहती हैं। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बहुत खुश थे। उस रात योगेश को एक नया आइडिया आया। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बिना बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की, ये आइडिया तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहा है? बाबा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जी, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बिना बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ के सब्जियां फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, पर कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी की फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को मेले में ले गए। अरे भैया, वो क्या है, अलमारी जैसा? वो मिट्टी की फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे लंबे समय तक, वो भी बिना बिजली के। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। उस औरत ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक पत्रकार ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज बिक गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो भाग्यवान, आज तुम्हारे बेटी की कितनी कमाई हुई है। बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी का फ्रिज का आइडिया कमाल का है। लोगों ने हमें एडवांस दिया है मिट्टी की फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं।